हेलो गाइस, पढ़ते हैं 2.4 हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही वे में हार्मफुल भी होते हैं। कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ह्यूमन बॉडी में, प्लांट में, एनिमल में डिजीज क्रिएट करते हैं। सच डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स उसको पैथोजेंस बोलते हैं, जो खाने को खराब करने का, क्लोथ्स को, लेदर को खराब करने का काम करते हैं। पहले देखते हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन द ह्यूमंस। पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं जहाँ से हम लोग ब्रीथ करते हैं, पानी पीते हैं या फिर खाना खाते हैं। ये हमारी बॉडी में डायरेक्टली एंटर हो जाते हैं या फिर इन्फेक्टेड पर्सन्स के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर होते हैं। माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन बी स्प्रेड फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और द फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। जो भी डिजीज इन्फेक्टेड पर्सन से एयर, वाटर, फूड या फिजिकल कॉन्टैक्ट के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाता हो तो उसको कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं, जैसे कि कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस। When persons suffering from the common cold sneezes, जो उसके ड्रॉप्स होते हैं मॉइस्चर के साथ मिक्स हो जाते हैं, thousands of the virus are spread in the air. जब ये वायरस है किसी हेल्दी बॉडी के पर्सन के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो वो ब्रीदिंग करके उनकी बॉडी में एंटर हो जाता है। यहाँ पे बोजो को क्वेश्चन होता है कि देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। तो पहली बताते हुए बोलती है कि वी शुड कीप द हैंडकरचीफ जब हम लोग स्नीजिंग कर रहे होते हैं, तो ताकि हम लोग इन्फेक्टेड पर्सन से भी दूर रहना चाहिए, और जब हम लोग को स्नीजिंग आ रही है तो हम लोग को रुमाल नोज या फिर माउथ पे रखना चाहिए। दिस आर सम इंसेक्ट्स, देर आर सम इंसेक्ट्स एनिमल्स विच एक्ट द कैरियर ऑफ अ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। जैसे कि हाउस फ्लाई है, वो गार्बेज पे बैठती है, एनिमल एक्सक्रीटा पे बैठती है, पैथोजेंस के पैर के पर वो सब चीज़ें स्टिक हो जाती है, और जब वो अनकवर्ड फूड के ऊपर बैठती है तो पैथोजन ये डर्ट वहाँ पे ट्रांसफर कर देता है। हुएवर ईट द कंटेमिनेटेड फूड वो बीमार हो जाते हैं। सो इट्स एडवाइजेबल कि हम लोग को अनकवर फूड जो बाजार में मिलता है वो नहीं खाना चाहिए। अनदर एग्जाम्पल ऑफ कैरियर इन देन फीमेल एनोफिलस मॉस्क्यूटोज। ये जो मॉस्क्यूटोज आपको नीचे दिख रही होगी वो एनोफिलस मॉस्क्यूटोज है, जो पैथोजेंस ऑफ द पैरासाइट्स ऑफ द मलेरिया को कैरी करने में मदद करती है। फीमेल जो एंडेस मॉस्क्यूटोज होती है वो डेंगूज के वायरस को फैलाती है। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ अ मलेरिया और द डेंगू? बट ऑब्वियस हम लोग को जो नेट रिपेलेंट है या फिर मॉस्क्यूटो रिपेलेंट है वो चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। यहाँ पे पहली को क्वेश्चन होता है कि व्हाई डज द टीचर्स कीप्स टेलिंग अस नॉट टू लेट द वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड। व्हाई डज द टीचर्स कीप्स टेलिंग अस, यहाँ पे पहली क्वेश्चन पूछ रही है कि टीचर हम लोग को क्यों बोलती है कि हमारे घर के आजू बाजू में जो पानी है वो क्रिएट नहीं होना चाहिए। सो उसका मतलब ये होगा कि अगर उसका जवाब दो तो ये होगा कि सारे जो मॉस्किटोज होते हैं वो पानी के अंदर ब्रीड करते हैं। सो वन शुड नॉट लेट द वाटर कलेक्ट एनीवेयर। सो हम लोग को कहीं पर भी पानी नहीं जमा करना चाहिए, जैसे कि इन कूलर, टायर, फ्लावर पोट्स एक्सेट्रा, कहीं पे भी पानी कलेक्ट नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि उससे मॉस्किटो का ब्रीदिंग बढ़ जाता है। बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड द ड्राई वी कैन प्रिवेंट द मॉस्किटो फ्रॉम ब्रीडिंग। हम लोग को हमारे आजू बाजू का एरिया ड्राई रखना चाहिए। आपको लिस्ट बनानी है, ट्राई टू मेक द लिस्ट ऑफ मेजर विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो उसके लिए, आपको मलेरिया से बचने के लिए लिस्ट बनानी है। नीचे टेबल आपको 2.1 दिख रहा होगा, कुछ कॉमन ह्यूमन डिजीज है जो माइक्रोब्स से होते हैं। ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से होते हैं, ऐसे ट्रांसमिट होते हैं। मिसेलस होता है वो वायरस है, चिकन पॉक्स, पोलियो भी वायरस है। ये सब एयर से कंटेमिनेटेड होते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन उनका एयर है। चिकन पॉक्स कॉन्टैक्ट से भी फैलते हैं, पोलियो वाटर से भी फैलता है। प्रिवेंट ऑफ मेजरमेंट देखेंगे, हम लोग को पेशेंट को आइसोलेटेड रख लेना चाहिए, अकेले छोड़ देना चाहिए। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ द पेशेंट्स अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर। जो पेशेंट्स जो चीज़ें यूज़ कर रहा है वो हम लोग को अच्छे से साफ करके उसको वापस देनी चाहिए, या फिर बाकी सब यूज़ ना करें वैसा मेक श्योर करना चाहिए। वैक्सीनेशंस उनको सुटेबल एज में दे देनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज अ कॉलेरा एंड टाइफॉइड। कॉलेरा और टाइफॉइड के पॉजिटिव माइक्रोब्स है बैक्टीरिया, उनका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉलेरा का है वाटर एंड फूड, और टाइफॉइड का है वाटर। प्रिवेंटिंग मेजरमेंट देखेंगे, मेंटेन द पर्सनल हाइजीन, हम लोग को हमारी हाइजीन मेंटेन रखनी है, सैनिटरी हैबिट अच्छी रखनी है, कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड हम लोग को अच्छा खासा खाना, पकाया हुआ खाना खाना है, बॉइल्ड वाटर पीना हुआ है, और वैक्सीनेशंस करवानी है। हेपेटाइट बी देखेंगे, ये पॉजिटिव माइक्रोब्स है वायरस, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वाटर। प्रिवेंटिंग मेजर देखेंगे तो आपको बॉइल्ड पानी पीना है और वैक्सीनेशंस करानी है। मलेरिया के बारे में देखते हैं, उनके पॉजिटिव माइक्रोब्स है प्रोटोजोआ, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है मॉस्किटोज। आप मॉस्किटो नेट रिपेलेंट या फिर इंसेक्टिसाइड्स और कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ द मॉस्किटोज बाय नॉट अलाउिंग वाटर टू कलेक्ट इन सराउंडिंग। आपके आजू बाजू एरिया में पानी ना
कलेक्ट हो वो मेक श्योर करना है, और मॉस्किटो बहुत ज़्यादा है तो रिपेलेंट या फिर नेट यूज़ करनी है. सम ऑफ द कॉमन डिजीज अफेक्टेड द ह्यूमंस एंड देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड द फ्यू जनरल मैथड्स, वो 2.1 में हम लोगों ने अभी देखी कि किस हिसाब से कौन कौन से डिजीज ह्यूमन को एनिमल को होते हैं और कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं. डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन एनिमल, अभी एनिमल में जो डिजीज होते हैं उसके बारे में बात करते हैं. सिर्फ ह्यूमन को नहीं, प्लांट को नहीं, बन एनिमल को भी कंटेमिनेटेड करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि एंथ्रैक्स है, ये डेंजरस है फॉर ह्यूमन एंड कैटल. डिजीज कॉज बाई द बैक्टीरियम. फूट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज बाई द वायरस. वायरस से कैटल्स के माउथ और फूट में भी डिजीज हो सकते हैं. रॉबर्ट कोच ने डिस्कवर किया था एंथ्रैक्स डिजीज की वैक्सीनेशंस एनिमल के लिए. डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लांट में देखेंगे, सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन प्लांट लाइक व्हीट, राइस, पोटेटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल. अदर डिजीज रिड्यूस येल्ड ऑफ क्रॉप, इसकी वजह से जो क्रॉप की येल्ड शक्ति है वो कम हो जाती है. 2.2 टेबल्स में हम लोग देखेंगे कि जो प्लांट डिजीज कौन कौन से और उसको किस हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं. पहला है साइट्रस कैंकर, जो बैक्टीरिया से होता है, एयर से होता है. कैसे दिख रहा है वो आपको पिक्चर में दिख रहा होगा. रस्ट ऑफ वीट फंगस से होती है, एयर या फिर सीड्स जो उनका वे ऑफ ट्रांसमिशन है वो. येलो वेन मोसेक्स ऑफ द भिंडी, वो वायरस से होती है और उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है इंसेक्ट. यूज ऑफ सर्टेन केमिकल विच किल द माइक्रोब्स, और हम लोग केमिकल को यूज़ कर सकते हैं, वीडिसाइज और वैक्सीनेशन यूज़ कर सकते हैं ताकि ये जो ऑर्गेनिज्म है वो मर जाए. फूड पॉइजनिंग देखेंगे. बोजो वॉज इन्वाइटेड बाई हिज फ्रेंड. बोजो को अपने स्कूल फ्रेंड ने इन्वाइट किया था पार्टी में, और वहाँ पर बहुत अलग अलग टाइप का खाना था. ऑन रीचिंग होम उसको वॉमिटिंग होने लगा और उसको हॉस्पिटल जाना पड़ा. डॉक्टर्स सेड दैट दिस कंडीशंस कुड बी ड्यू टू द फूड पॉइजनिंग. ये चीज़ें फूड पॉइजनिंग के थ्रू हुई होगी. पहली यहाँ पे बोलती है कि पहली वंडर हाउ फूड कैन बिकम अ पॉइजन, खाना पॉइजन कैसे हो सकता है. फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ द फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म. फूड पॉइजनिंग एक्चुअली खराब खाना कंज्यूम होने की वजह से होता है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो इन अवर फूड समटाइम प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस. कभी कभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे खाने के अंदर प्रोड्यूस हो जाते हैं और उसको टॉक्सिक थिंग्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो फूड पॉइजनिंग बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है और डेथ भी हो सकती है उसकी वजह से. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग जो वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बींग स्पॉइल्ड. सो हम लोग को खाना खराब नहीं होने देना चाहिए, और ख़राब हो जाए तो वो नहीं खाना चाहिए. 2.5 देखेंगे फूड प्रिजर्वेशन. हम लोग चैप्टर नंबर 1 में पढ़ के आए कि बहुत सारी टेक्निक्स हैं हमारे पास फूड को बचाने की, स्टोर करने की. हाउ डू वी प्रिजर्व कुक फूड एट होम, हमारे पास जो खाना पका हुआ है उसको कैसे बचा पाएंगे. यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज अंडर द मॉइस्ट कंडीशन इज अटैक बाय द फंगस. जब ब्रेड को फंगस अटैक करती है मॉइस्ट कंडीशन के अंदर, तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे खाने को स्पॉइल कर देते हैं. स्मॉल फूड एमिट द बैड स्मेल. स्पॉन्स जो खराब खाना हो गया आता है उसमें से गंदी स्मेल आती है, बहुत ही गंदा टेस्ट हो जाता है और चेंज कलर, मतलब उसकी कलर में चेंजेस आ जाता है. इट्स स्पॉइलिंग ऑफ अ फूड अ केमिकल रिएक्शंस. यस, उसमें बहुत सारे केमिकल चेंजेस हो जाते हैं, उसकी वजह से खाने का फॉर्मेट चेंज हो जाता है. पहली बॉट सम मैंगोज बट शी कुड नॉट ईट देम फॉर द फ्यू डेज. लेटर शी फाउंड दैट वो खराब हो गए, रोटन हो गए. बट शी नोज दैट मैंगो पिकल हर ग्रैंड मदर, वो खराब नहीं होता है लंबे टाइम तक, तो शी वॉज कन्फ्यूज. तो वो देखते हैं कि जब हम लोग खाना घर पे कैसे बचा पाएंगे अलग अलग टेक्निक्स के, माइक्रोब्स की मदद से हम लोग वो उसकी जो नेगेटिव पॉइंट है उसको पॉजिटिव में बदल के खाना किस हिसाब से बचा सकते हैं. तो पहले देखते हैं केमिकल मैथड. सॉल्ट और एडिबल ऑयल अगर हम लोग ऐड कर दें खाने में तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ कम हो जाता है, और वो प्रिजर्वेशन, ये जो मेथड है बचाने की खाने को, उसको प्रिजर्वेशन बोलते हैं. वी ऐड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू द पिकल टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स. सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटा बाइसल्फाइट, ये कॉमन प्रिजर्वेटिव यूज होते हैं जो जैम्स और स्क्वाशेस में यूज होते हैं. देर आर ऑल्सो यूज इन जैम्स एंड स्क्वाशेस टू चेक देयर स्पॉइलेज. और ये सारी चीज़ें जैम्स और स्क्वाशेस में यूज़ होती है उनको डैमेज से बचाने के लिए. प्रिजर्वेशन बाय द कॉमन सॉल्ट. कॉमन सॉल्ट यूज़ होता है मीट और फिश को बहुत लंबे टाइम तक बचाने के लिए. मीट और फिश को ड्राई सॉल्ट से ढक दिया जाता है ताकि माइक्रोबियल बैक्टीरिया का ग्रोथ स्टॉप हो जाए. सॉल्टिंग इज यूज इन प्रिजर्विंग ऑफ आमला, रॉ मैंगोज एंड टर्मरिक.
ये सब यहाँ पे सॉल्टिंग डाल के लंबे टाइम तक उसको प्रिजर्व कर सकते हैं. प्रिजर्वेशन बाय द शुगर, जैम्स, जेलीज, स्क्वाशेस आर प्रिजर्व बाय द शुगर. इन यहाँ पे जैम्स, जेलीज और स्क्वाशेस के अंदर शुगर ऐड किया जाता है और शुगर मॉइस्चर क्रिएट करने की ट्राई करता है. एंड शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर, सॉरी शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कॉन्टेंट विच इनहेबिटेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. और जो मॉइस्चर कम हो जाने की वजह से बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रो नहीं हो पाते और खाना स्पॉइल नहीं होता है. प्रिजर्वेशन बाई ऑयल एंड विनेगर, सॉरी यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ अ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एनवायरमेंट. बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑयल और विनेगर जैसे सर्फेस में नहीं रह पाते. वेजिटेबल्स, फ्रूट, फिश, मीट और ये प्रिजर्व ये टेक्निक से होता है. हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट देखेंगे. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क जब उसको स्टोर करते हैं उससे पहले. बॉइलिंग की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं. यहाँ पे सिमिलरली वी कीप अवर फूड इन एन रेफ्रिजरेटर ताकि हम लोग उसको थोड़े और टाइम में बचा पाए. लो टेम्परेचर एक्चुअली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए सुटेबल नहीं होता है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे ग्रो नहीं होते हैं. बोझो को यहाँ पे क्वेश्चन होता है, व्हाई डज द मिल्क दैट कम्स इन एन पैकेट नॉट स्पॉइल. माई मदर टोल्ड मी दैट इट्स मिल्क पैश्चराइज. तो ये पैश्चराइजेशन क्या है? पैश्चराइजेशन का मतलब हो गया कि पैश्चराइजेशन मिल्क कैन बी कंज्यूम विदाउट बॉइलिंग एज इट फ्री फ्रॉम द हार्मफुल माइक्रोब्स. पैश्चराइजेशन मिल्क को हम लोग ऐसे भी पी सकते हैं क्योंकि उसमें हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होता है. उसको 70 डिग्री तक गर्म कर दिया जाता है फॉर 15 to 30 seconds एंड उसको सडनली फिर चिल कर दिया जाता है एंड फिर स्टोर किया जाता है. उसकी वजह से जो टेम्परेचर का इतना ज़्यादा बढ़ जाना और इतना कम हो जाना उसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाते. और ये जो डिस्कवरी है वो लुईस पैश्चर ने की थी. इसके लिए उसकी सरनेम से वो प्रोसेस का नाम दिया जाता है पैश्चराइजेशन. स्टोरेज एंड पैकेजिंग देखेंगे. दिस डेज ड्राई फ्रूट्स है, इवन वेजिटेबल्स सील एयरटाइट पैकेट में मिलते हैं. एयर रिमूव कर देने से माइक्रोबियल ग्रोथ स्टॉप हो जाती है. इसकी वजह से सील पैक में रही हुई चीज़ लंबे टाइम तक चलती है. नाइट्रोजन फिक्सेशन देखते हैं. हम लोग स्टैंडर्ड 6 और 7 में पढ़ते आए राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में मदद करता है. राइजोबियम बैक्टीरिया जनरली लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में पाए जाते हैं और ये जो प्लांट होते हैं जैसे कि बीन्स है, पीज है, उसमें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं. व्हाट इज़ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मैं आपको क्विकली बता देती हूँ कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है प्लांट को नाइट्रोजन फिक्सेशन करके देता है. इन रिटर्न प्लांट उसको थोड़ा खाना बना के कंज्यूम करवाता है. सो दैट इज़ दोनों सिम्बायोटिकली रिलेशनशिप में रिलाय करते हैं. समटाइम नाइट्रोजन गेट फिक्स थ्रू द एक्शंस ऑफ द लाइटनिंग. कभी कभी लाइटनिंग की प्रोसेस के थ्रू भी नाइट्रोजन ज़मीन में वापस से गेट बैक होता है. बट यू नो दैट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन जो एटमोसफेयर में होता है वो ज़्यादा होता है. यू मे वंडर हाउ. लेट्स अस अंडरस्टैंड दिस इन द नेक्स्ट टेक्स्ट. नाइट्रोजन कैन नॉट बी, नाइट्रोजन साइकिल देखेंगे 2.7. यहाँ पे रूट दिख रहा है उसके लेग्यूमिनस. यहाँ पे आपको रूट में नोड्यूल्स पे बैक्टीरिया दिख रहे होंगे. दिस आर द बैक्टीरियाज. नाइट्रोजन साइकिल देखेंगे. हमारे एटमॉस्फेयर में लगभग 98% नाइट्रोजन गैस है जो बहुत ही इसेंशियल है लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्पेशली प्रोटीन, क्लोरोफिल, नाइट्रिक एसिड्स और विटामिन जैसे ऑर्गेनिज्म्स के साथ साथ. द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाई द प्लांट एंड एनिमल. हम लोग उसको डायरेक्टली नहीं कंज्यूम कर पाते. कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ब्लूग्रीन एल्गी होती है, जो नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने में एटमोसफियर से और उसको नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करने में मदद करते हैं. वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इन टू द यूजेबल कंपाउंड इट कैन बी यूटिलाइज बाई द प्लांट फ्रॉम द सॉइल. जब वो कन्वर्ट हो जाए यूजेबल फॉर्म में तब सॉइल रूट के थ्रू उसको कंज्यूम कर देती है और नाइट्रोजन यूज हो जाता है सिंथेसाइज ऑफ द प्लांट प्रोटीन. और जो नाइट्रोजन होता है वो प्लांट को प्रोटीन बना देता है और प्लांट के लिए प्रोटीन बना देता है एंड अदर कंपाउंड. एनिमल फीडिंग ऑन प्लांट गेट दिस प्रोटीन. जो भी एनिमल वो वैसे प्लांट को खाता है उसमें प्रोटीन और अदर नाइट्रोजनियस कंपाउंड एंटर हो जाते हैं. जब प्लांट और एनिमल मर जाते हैं तो बैक्टीरियल और फंगस उसको डिकम्पोज करके वापस इन नाइट्रोजनियस वेज जमीन में रिप्लानिश हो जाता है. सर्टन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैसेस विच गोज बैक इन टू द एटमोसफियर. एज अ रिजल्ट जो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन है एटमोसफियर में वो ज़्यादा या कम नहीं होता है, वो कांस्टेंट रहता है, रिमेन मोर और लेस कांस्टेंट. यहाँ पे आपको पूरी साइकिल दिख रही होगी. तो हम लोग प्लांट से शुरू करें तो एनिमल प्लांट को खाता है, नाइट्रोजनियस वेस्ट के फ्रॉम में एक्सक्रीटा होके वो वापस से ज़मीन में रिप्लानिश होता है. बैक्टीरिया नाइट्रोजन को गैसेस में से कन्वर्ट करके नाइट्रोजन हवा में से कन्वर्ट करके नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है एटमोसफेरिक नाइट्रोजन. लाइटनिंग से वापस वो ज़मीन में गेट बैक होता है.
नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया या फिर ब्यूगेन एल्गी उसको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देती है, और फिर बैक्टीरिया उसको नाइट्रोजन में से नाइट्रोजनियस कंपाउंड में कन्वर्ट करके सॉइल में रिप्लेनिश करती है, और प्लांट फिर उसको सॉइल में से ले लेता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में।